और इसीलिए मैं इस चीज पर बल देता हूं और आप लोगों को भी कहूंगा कि एक शोधार्थी के रूप में आप जैसा भी विषय उठाएं लेकिन इस चीज के प्रति सजग रहें कि जो साहित्य का अनोखापन है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसे हमें किसी भी समय भूलना नहीं चाहिए। हम समय संदर्भ में रखकर ही साहित्य पर बात कर रहे हो, बावजूद इसके हमारे सामने ये साफ होना चाहिए कि साहित्य में एक यूनिकनेस है, एक अनोखापन है। वो अनोखापन क्या है, उसके प्रति हमें सजग रहकर ही अपने अध्ययन को आगे ले चलना चाहिए। मैं एक और उदाहरण दूंगा इस सिलसिले में, और वो उदाहरण इस लोभ से कि मैंने जो कहा वो बात मैंने दूसरे संजीव के मुंह से उसकी एक कंफर्मेशन पाई। फांस नाम का उपन्यास है संजीव का, है ना, वो किसानों की आत्महत्या पर है। आप जानते हैं कि इस देश में पिछले 10 साल में लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये पूरे विश्व इतिहास में और पूरे भूमंडल पर अपने तरह का एक अनोखा ट्रेंड है, इतने बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या। संजीव का जो वो उपन्यास है फांस, वो किसानों की आत्महत्या के बारे में, उसके लिए संजीव स्वयं विदर्भ के इलाके में जाके रहे, वहां के गांवों में वो घूमते रहे, बहुत सारे तथ्य इकट्ठा किए उन्होंने, कई परिवारों के साथ लगातार उनकी मुलाकातें हुई, और इन सब के आधार पर उन्होंने वो उपन्यास तैयार किया। उस उपन्यास पर चर्चा थी दिल्ली शहर में बीटीआर भवन। मैं इस खतरे से बिल्कुल अवगत था कि जितने वक्ता आएंगे, मैं वक्ता नहीं था, मैं श्रोता था सिर्फ और आयोजकों में से था, मैं इस खतरे से अवगत था कि जितने वक्ता आएंगे वो पहले विदर्भ में किसानों के साथ क्या हुआ इसके बारे में बताएंगे, और संजीव को इस चीज के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने तथ्यों को बहुत अद्भुत तरीके से पकड़ा है ना। विदर्भ में गए, रिसर्च किया, वो सारी चीजें हमारे सामने पेश की एक उपन्यास की शक्ल। एक बहुत सरल सा सवाल उनके सामने रखा जा सकता था ऐसे वक्ताओं के सामने कि अगर किसानों की आत्महत्या के बारे में हमें जानना हो तो हम पी साईनाथ के लेख क्यों नहीं पढ़ेंगे जो अधिक प्रामाणिक। पी साईनाथ के लेख अधिक प्रामाणिक हैं और वो उस प्रामाणिकता का दावा भी करते हैं। पी साईनाथ के लेखों में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये कथा है, यानी ये कल्पना है, कपोल कल्पना है, इसे गढ़ा गया है, ऐसा पी साईनाथ नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये तथ्य है और तथ्यों का विश्लेषण है, तो मैं पी साईनाथ के लिए क्यों नहीं पढ़ूंगा जो ज्यादा बेहतर रिसर्च है। यानी संजीव का उपन्यास पढ़ने के लिए मेरे पास जो कारण होगा वह कारण उन कारणों को माइनस करने के बाद बचा हुआ रह जाएगा जिन कारणों से हम पी साईनाथ को पढ़ते हैं, और जो बचा रह जाएगा, जो शेषांश है, वही मेरे लिए दरअसल कारण है संजीव के उपन्यास को पढ़ने का। तो जैसी हमने उम्मीद की थी, ज्यादातर वक्ताओं ने उस रिसर्च पर, किसानों की आत्महत्या पर, इन सारी चीजों पर बोला। उपन्यासकार के रूप में संजीव का कौशल क्या है, इस चीज पर किसी ने बात नहीं की, और इस पर संजीव ने खुद कहा। सारी बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं इस बातचीत से, आप लोगों ने मुझे बुला के मेरे सामने मेरी इतनी प्रशंसा की, ठीक है, लेकिन मैं निराश हूं इस बातचीत से, क्योंकि आप में से किसी ने भी मेरी उपन्यास कला के बारे में नहीं कहा। मैं चरित्र कैसे गढ़ता हूं, मैं ट्रेजेडी को कैसे पकड़ता हूं, ट्रेजेडी को पकड़ने के लिए मेरे कौशल क्या है। अगर मैं एक किसान की आत्महत्या को दिखा रहा हूं तो क्या मैं आपको करुणा विगलित कर पा रहा हूं या नहीं, है ना, आप में से किसी ने ये नहीं कहा, तो फिर उपन्यासकार के रूप में मेरा क्या रहा। अच्छा, जब मैंने ये सुना मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि संजीव ऐसा करेगा, क्योंकि मैं संजीव को सामान्य रूप से थोड़ा सा पुराने तरीके का रचनाकार मानता हूं, और मुझे लगता था कि खुद संजीव इसी रूप में सोचते होंगे कि साहब आपने हार्ड फैक्ट्स रख दिए और दिखा दिया कि उपन्यास इन सारे
ठोस तथ्यों को व्यक्त कर रहा है इसलिए महान है, हो गया विश्लेषण पूरा हो गया। लेकिन वो संजीव खुद कह रहे हैं कि नहीं, आपने मेरी उपन्यास कला पर बात नहीं की, मेरी चीज तो वही है ना। विदर्भ में जाकर संजीव घूम आए, उन्होंने रिसर्च किया, सब कुछ किया, सब ठीक है, वो साहित्यकार के दायित्व के रूप में नहीं किया। तो जो उनकी असली चीज थी वो तो यही कि जिस अनुभव की पूंजी को उन्होंने कमाया विदर्भ के गांवों में रहकर, वहां के परिवार वालों से, वहां के परिवारों में रहकर, वहां आत्महत्या करने वाले लोगों के परिवार वालों से मिलकर जो उन्होंने अनुभव की पूंजी कमाई, उस अनुभव की पूंजी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक नॉवल के रूप में, कला तो उनकी यही है, हमने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। तो इससे मैं ये महसूस करता हूं कि मैं जिस चीज पर बल दे रहा हूं उसमें शायद थोड़ा दम है, जिस पर बल दे रहा हूं उसमें थोड़ा बल है ना। ये अपने आप को संतोष देने का तरीका है, लेकिन ये है कि आप जब किसी भी दिशा में सोच रहे होते हैं तो अपने को बार बार संतोष देने की जरूरत भी पड़ती है, अपने को क्वेश्चन करने की जरूरत भी पड़ती है, अपने ऊपर सवालिया निशान लगाइए। और यह भी अनुभव कीजिए कि अब सवालिया निशान लगाने की गुंजाइश नहीं है, तब जाके आपको लगता है कि हाँ, आपने जो कहा है वो कहा हुआ कायदे की चीज है। अब हम बिल्कुल आज के साहित्य पे आए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, चूंकि साहित्य पत्रकारिता नहीं है इसलिए पत्रकारिता के लिए समकाल के जो मायने हैं वो मायने साहित्य के लिए नहीं है। यानी हम बिल्कुल आज और अभी की घटनाओं को साहित्य का समकाल नहीं मानेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि अलग अलग आधारों पर कोई 21वीं सदी को कह सकता है कि वो साहित्य का समकाल है, यानी 2001 से शुरू हुआ है समकालीन साहित्य। कोई ये कह सकता है कि उदारीकरण से शुरू हुआ है, यानी 1991 से हम समकालीन साहित्य को माने, है ना, क्योंकि कमोबेश उदारीकरण की शुरुआत के बाद का जो साहित्य है उसका एक तरह का स्वर है या आपको एक आधार मुहैया कराता है जिससे कि आप उसके अंदर के विभिन्न स्वरों की जांच कर सकें। इसमें से जितने भी आधार आप बना लें वो आपकी मर्जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर पूरे समकालीन साहित्य पर कोई फैसला दे पाने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं सारी विधाओं का पाठक नहीं हूं, हर चीज नहीं पढ़ता हूं, और आप भी संभवतः सब चीज नहीं पढ़ पाते। जो कविता का अधीत है वो कहानियों और उपन्यासों में उतनी गति नहीं रखता है, जो कहानियां पढ़ रहा है वो उपन्यास और कविता नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये एक बड़ा दायरा है हिंदी साहित्य का, और हम में से कोई भी इसका दावेदार नहीं हो सकता कि हम उन सबको पढ़ रहे हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से, और मैं आऊंगा बिल्कुल पर्टिकुलर 1-2-3 कहानियों पर भी बात करूंगा, उसके पहले सामान्य रूप से जो एक बात कही जा सकती है और जिससे मुझे लगता है कि व्यापक सहमति आज की आलोचना में भी है, वो ये कि '90s onwards, 90 के दशक से लेकर आगे हमारे साहित्य में लोकतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति विभिन्न आयामों के साथ हुई, उसका दायरा बड़ा हुआ। एक व्यापक लोकतांत्रिक चेतना हिंदी साहित्य में लगातार रही, लेकिन मैं 90s को इसके लिए एक विभाजक बिंदु मानता हूं कि वहां से लेकर आपको यह दिखाई पड़ता है कि उस लोकतांत्रिक चेतना के दायरे में और भी कई चीजें शामिल हुई। मसलन जो 90 के दशक से पहले का साहित्य है उसकी लोकतांत्रिक चेतना अगर वर्गीय स्तर पर रह जाती थी, उससे भिन्न स्तरों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो आज की तारीख का साहित्यकार जब वर्गीय स्तर की गैर बराबरियों की बात करेगा तो लैंगिक गैर बराबरियों की भी बात करेगा, जातिगत गैर बराबरियों की भी बात करेगा, है ना।
हमारे लिए 90s के पहले लोकतांत्रिक चेतना का मतलब था कि हम वर्गीय गैर बराबरी की बात करें और सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करें। लेकिन आप जानते हैं कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ये सब हिंदी में कम से कम 90s ऑनवर्ड्स आने वाली चीज़ें हैं, और इन्होंने एक लोकतांत्रिक चेतना के दायरे को व्यापकतर बनाने का काम किया। और ये जो साहित्य है वो इस लोकतांत्रिक चेतना के सामान्य रूप से जो उसका जो वार्धक्य है, उसकी जो बढ़ोतरी है, उसके तीव्रतर हो जाने के कारणों की भी पहचान करती है। ठीक है, तो आप अगर कविताओं, कहानियों, उपन्यासों को पढ़ें तो आपको न सिर्फ उस व्यापक लोकतांत्रिक चेतना के अलग अलग पहलुओं की छवियां मिलेंगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि यह जो लोकतांत्रिक चेतना है यह क्यों कर बनी, उसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। ये मैं बिल्कुल सामान्य बातें इसलिए कह रहा हूं कि सामान्य रूप से साहित्य के बारे में सामान्य बातें ही कही जा सकती हैं। अब जब मैं एक एक रचना उठाऊंगा, और जैसा कि एक दो रचनाओं से ज्यादा के साथ बर्ताव नहीं किया जा सकता, तब मैं शायद उसमें छानबीन करते ये बताऊं कि यहाँ क्या हो रहा है, ये किन चीज़ों को फोकस कर रही है, इसको फोकस करने की इसकी अपनी पद्धति क्या है, वो अलग अलग रचनाओं पर आके ही हो पाएगा। अब जैसे इसका जो एक टिपिकल उदाहरण मुझे मिलता है, हालांकि मैंने कहा कि पूरा हिंदी साहित्य इसका उदाहरण है लोकतांत्रिक चेतना की इस व्यापकता का, और हमारे समय में जिस तरह की गैर बराबरियां बढ़ी हैं, उन गैर बराबरियों के बारे में बातचीत करने उसका एक टिपिकल उदाहरण उदय प्रकाश की कहानी। आप समझ सकते हैं कि उदय प्रकाश की कहानियां मुझे पसंद हैं, इसलिए मैं उसका अलग से जिक्र कर रहा हूं, नहीं तो उसके अलावा और तमाम चीजें हैं जिनका कि नाम उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन उदय प्रकाश की कहानियों का मैं जिक्र सिर्फ अपनी पसंद की वजह से नहीं कर रहा हूं, मैं दो कारणों से कर रहा हूं। वो मुझे एक मोड़ बिंदु की तरह दिखाई पड़ने वाली कहानी है, एक टर्निंग पॉइंट की तरह। आप उदय प्रकाश की कहानियों में सिर्फ ये नहीं कि सामान्य आदमी की दुख तकलीफों को लगातार देख रहे हैं या बढ़ती हुई गैर बराबरियों की नोटिस कर रहे हैं, बल्कि आप उसमें यह भी पाते हैं कि वो कहानियां आपके सामने हमारे समय की एक और बहुत बड़ी चुनौती से टकराने का उदाहरण पेश कर रही है। वो चुनौती है बहुत बढ़े और फैले हुए सूचना तंत्र के बीच में साहित्य का स्थान। अगर आप उदय प्रकाश की कहानियों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि सूचना क्रांति के बाद के दौर में उनकी कहानियां लगातार इस जुगत में लगी हुई हैं कि कैसे अपनी बात को कहने के लिए उपलब्ध ज्ञान के स्रोतों में से विभिन्न दिशाओं से उसे अप्रोच किया जाए। ये पहले कहानी का जो कि जो हमारी परंपरा रही है उसमें ये कभी नहीं था। कहानी की हमारी परंपरा क्या रही है, आप याद कीजिए, उसकी जो शास्त्रीय परिभाषा है वो यही है कि उसमें एकांकिति होती है, वो एक जगह केंद्रित होती है ना। तो कहानी का किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना और एकान्वित होना, यह उसका शास्त्रीय गुण माना जाता है। उदय प्रकाश के यहाँ से आपको एक ऐसा टर्निंग पॉइंट दिखाई पड़ता है जहाँ वो आदमी कहानी को उपन्यास जैसा बना देने की कोशिश में लगा हुआ है, हालांकि वो उपन्यास नहीं बनाता, वो कहानी ही लिख रहा है, वो इसके प्रति बहुत सजग है, और वो लेखक अपनी कहानियों को उपन्यास की शक्ल में छपवाने के बावजूद बार बार इस बात पर बल दे रहा है कि ये कहानी ही है। मुझे याद है कि जिस समय पीली छतरी वाली लड़की कहानी छपी थी तो उदय प्रकाश ने ये कहा था कि ये एक जिल्द में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उपन्यास है, ये कहानी है। और आप जाके देख लीजिए लाइब्रेरी में, मोहनदास और पीली छतरी वाली लड़की, ये दोनों एक एक कहानी है जो कि एक किताब की शक्ल में है ना, तो 100-100 पेज की कहानी। तो ये क्यों आया उनके यहाँ, ये उनके यहाँ इसलिए आया कि वो एक ऐसे समय में लिख रहे थे जबकि सूचना क्रांति हो चुकी थी,
हमारे पास चीजों के बारे में सूचनाओं के अंबार लगे, और मैंने उदय प्रकाश के बारे में लिखते हुए एक जगह कहा है कि बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं तो कहानीकार उनसे अपने को बचा नहीं सकता है, लेकिन कहानीकार का संघर्ष क्या है? उन सूचनाओं को ज्ञान में रूपांतरित करना, यह कहानीकार का संघर्ष है। इसीलिए वो सूचनाओं की बम्बार्डमेंट भी करता है और आपको सजग करता है कि सूचनाओं में भटक मत जाओ, उनके पीछे थीम देखो, वह थीम ही ज्ञान है। बहुत सारी सूचनाएं हैं आपके सामने और बहुत कुछ आपको पता है, लेकिन उस पता जो कुछ है उसके भीतर अगर आप एक थीम नहीं तलाश कर पाते हैं, उसमें एक थ्रेड नहीं तलाश कर पाते हैं जो आर पार गुजर रहा है उन सारी सूचनाओं के बीच से, तो आपके लिए वो ज्ञान की शक्ल नहीं लेगा, आप उन सूचनाओं से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। यह उदय प्रकाश की कहानियों में दिखलाई पड़ता है, और इसीलिए उदय प्रकाश के लिए यह संभव हुआ कि वो अपने समय की बहुत सारी चुनौतियों को एड्रेस कर सके जिनको कि कई दूसरे कहानीकार एड्रेस कर ही नहीं पा रहे। मसलन मुझे याद आता है मैंगोसिल जैसी कहानी याद आती है, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी है, याद नहीं। मैंगोसिल बहुत लंबी कहानी, बल्कि इतनी लंबी कहानी है कि मैं कई जगह उसको संपादित करने की इच्छा महसूस करता हूँ। उस कहानी को अगर एडिट करके छोटा कर दिया जाए तो कहानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कहानी जिस तरह से भूमंडलीय पैमाने पर वर्गों के बीच बढ़ती हुई गैर बराबरी के मुद्दे को संबोधित करती है वो अद्भुत है। कहानी में नैरेटर एक परिवार जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार है उसके संपर्क में है, उस निम्न मध्यवर्गीय परिवार की अपनी एक बहुत ही त्रासद पृष्ठभूमि रही है, उस पूरी त्रासदी का वर्णन उपन्यास में किया गया है, कैसे उस स्त्री के साथ बलात्कार होता था, उसके पुराने पति की उपस्थिति में होता था, वो सारी चीजें बहुत भयावह है। फिर वो अपनी गली में आने वाले अपने साथ बलात्कार रोज बलात्कार करने वाले एक आदमी के ड्राइवर के साथ कैसे भाग खड़ी होती है, और लंबे समय महाराष्ट्र में गुजारने के बाद दिल्ली आती है उसके साथ, और तब जो नैरेटर है जो कि उदय प्रकाश खुद है और वो कहते हैं नैरेटर अपना नाम ही उदय प्रकाश बताता है, तो वो उदय प्रकाश के संपर्क में आते हैं और उदय प्रकाश उनके घर अक्सर आया जाया करता है और उसको पीछे की ये सारी कथाएं पता चलती हैं। फिर उस कपल को एक बच्चा होता है, और वो जो बच्चा है उसका सिर औसत से बड़ा है, और वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका सिर उसके शरीर के अनुपात में ज्यादा बड़ा होता जाता है। फिर वो लोग उसकी जांच वांच कराते हैं, जांच में जो पता चलता है वो ये, और ये देखिए बिल्कुल किस हद तक काल्पनिक है, उदय प्रकाश के लिए ये संभव था कि वो बिल्कुल काल्पनिक चीज को एक डॉक्यूमेंट की तरह पेश करें, तो वो कहते हैं कि सारी जगह जांच हुई पता नहीं चला, फिर एम्स के डॉक्टर्स ने उनको बताया कि ये एक मैंगोसिल नाम का रोग है, तो सिर का आकार बड़ा होता जा रहा है, मैंगोसिल नाम का रोग है, और हाल में मेडिकल जर्नल्स में छपे हुए शोध पत्रों से ये पता चला है, अब ये वाली भाषा है, हाल में मेडिकल जर्नल्स में छपे हुए शोध पत्रों से ये पता चला है कि तीसरी दुनिया के देशों में ये रोग महामारी की तरह फैल रहा है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका सिर उनके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है और उन्हें कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने मां के पेट से ही सारी जानकारियां लेकर पैदा होते हैं, उनका जो ये बड़ा सिर है उसमें ढेर सारी सूचनाएं भरी रहती हैं, उनको पहले से ये पता होता है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इतना अधिक ज्ञान होने के बावजूद वो अपने शरीर को बैलेंस करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि सिर के भारी होने का मतलब है कि आपका शरीर संतुलित नहीं रहेगा, ये हिस्सा भारी है तो आप डगमगाते रहेंगे। कहानी इसका बहुत विस्तार के साथ वर्णन करती है, और इसका वर्णन करते हुए आपके सामने एक तस्वीर उभारी जाती है कि जो वर्गीय गैर बराबरियां हैं ये कोई खाली आपके अपने देश की चीज नहीं है ना, एक भूमंडलीय पैमाने पर बेहद आततायी तरीके से फैलता हुआ पूंजीवाद है अपने नवउदारवाद नामक सबसे भुखड़ संस्करण में, जो कि दुनिया के पैमाने पर इस तरह की भयावह गरीबी फैला रहा है, और यह गरीबी ज्यादा ट्रेजिक इसलिए है कि इन गरीबों को सब कुछ पता भी है,
ये इग्नोरेंस में पलने वाले या ज्ञान में पलने वाले गरीब नहीं है, ये ऐसे गरीब हैं जिनको सब कुछ पता है। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये यथार्थवादी पद्धति है या नहीं है? वो लेखक मेडिकल जर्नल के शोध पत्र वाली भाषा में अपनी कहानी के कई हिस्से लिख रहा है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आज की तारीख में प्रामाणिकता के लिए जो खास तरह की शैली चाहिए वो शैली उसके पास है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यह किस्सा है, कोई ऐसा मेडिकल जर्नल नहीं होगा जिसमें कि यह शोध पत्र छपा होगा, और कोई ऐसा रोग नहीं है जो कि तीसरी दुनिया के देशों में महामारी की तरह फैल रहा है। अगर फैल रहा होता तो हमारे सामने भी वैसे बच्चे होते, हमने वैसे बच्चे नहीं देखे हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि लेखक की कल्पना जो अपने समय के भयावह प्रतिघातों से पैदा हुई, अगर समय की वो चोटें न होती तो ये कल्पनाशीलता भी नहीं होती, है ना। मैंने उदय प्रकाश की दूसरी कहानियों पर नकारात्मक भी लिखा है, मसलन मोहनदास कहानी के बारे में मैंने जब हंस में कॉलम लिखना शुरू किया तो उसमें दूसरी या तीसरी किस्त में ही मैंने मोहनदास कहानी की बहुत आलोचना की। उसका कारण यह है कि मोहनदास कहानी अपनी विषय वस्तु के स्तर पर बहुत ताकतवर होते हुए भी एक बेहद असावधान कहानी है, और असावधान कहानी की दिक्कत ये होती है कि आप उसे पढ़ते हैं और आप पढ़ करके कहते हैं कि यार वहां तो ऐसा कहा था, यहां ऐसा कह रहा है ना। तो कहानी के दो खंड आपस में कोहेरेंट ना हो, उसी को मैं असावधान कहानी कहता हूं। और जहां ये असावधानी कहानी में होती है वहां वो कहानी आपको अपने साथ बहा के नहीं ले जाती। मैंगोसिल कहानी भले ही कपोल कल्पना हो, लेकिन कहानी के स्ट्रक्चर के भीतर जब आप फंसते हैं तो आप पाते हैं कि वो बिल्कुल विश्वसनीय लगती है, आप उसकी दुनिया में फंस जाते हैं, आप उसके बंदी बन जाते हैं। तो कहानी के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो आपको बंदी बना ले और अपना बंदी बनाने के बाद आपसे जो चाहे मनवा ले, है ना। लेकिन मोहनदास कहानी इस तरह आपको अपना बंधक नहीं बना पाती है, और इसलिए वो आपसे जो चाहे वो मनवा भी नहीं पाती है। तो ये समस्याएं भी हैं, वो असावधानी उदय प्रकाश के लेखन में भी कई जगह है, लेकिन वो हिंदी कहानी का एक मोड़ बिंदु है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो मोड़ बिंदु होते हैं उन्हीं से साहित्य का इतिहास बनता है। महान रचनाओं से साहित्य का इतिहास सिर्फ नहीं बनता, उन रचनाओं से साहित्य का इतिहास बनता है जो टर्निंग पॉइंट्स के रूप में होते हैं। आपको अगर मुझे बताना होगा कि सर आप पौंडीचेरी कैसे जाएं, तो आप मुझे मोड़ ही बताएंगे, आप सीधे रास्ते नहीं बताते रहेंगे कि सिर्फ सर फिर आप यहां से चलना शुरू करें, चलते रहे 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 चलते रहे, ये कोई रास्ता बताना हुआ? वो तो मैं देख रहा हूँ आपके कैंपस में सीधा है, नाक की सीध में चलते चले जाए। लेकिन आप जब पता बताते हैं तो आप दरअसल यही कहते हैं कि इतनी दूर जाके बाएं मुड़े, उतनी दूर जाके दाहिने मुड़े, तो यानी टर्निंग पॉइंट से ही दिशा का पूरा नक्शा खींचा जाता है, और इसीलिए साहित्य का इतिहास भी उन टर्निंग पॉइंट से ही बनता है, ये याद रखिए। तो कहानी की दृष्टि से अगर देखें तो उदय प्रकाश टर्निंग पॉइंट इसी के साबित होते हैं कि वो अपने समय की चुनौतियों को रिस्पॉन्ड करते हुए कहानी का एक नया ढांचा खड़ा करते हैं जिसमें सूचनाएं बहुत हैं, जिसमें शोध पत्रों वाली भाषा है, जिसमें उन सूचनाओं को ज्ञान में रूपांतरित करने का संघर्ष है, और इसीलिए कहानियां लंबी हैं, जटिल हैं। अब मैं दो कहानियों का अधिक से अधिक जिक्र करूंगा। और ये कहते हुए जिक्र करूंगा कि इन कहानियों को चुनने का मतलब यही ये नहीं है कि यही कहानियां हैं जो अपने समय की चुनौती को बता पा रही हैं। मैं सिर्फ नमूने के तौर पर चुन रहा हूं, और खासतौर से चुनाव करने में मैं इस बात का भी ध्यान रख रहा हूं कि जिसे मैं चुनकर आपके सामने रखता हूं उसके बहाने समकालीन चुनौतियां और साहित्य, इनके संबंध को लेकर क्या एक प्रविधि मूलक बात कही जा सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं चुन रहा हूं। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं जो चुनी जा सकती हैं, जिनका हवाला दिया जा सकता है। मैं पहले हवाला दूंगा आपको भूलना शीर्षक कहानी का। भूलना ये एक चंदन पांडे की कहानी है,
कहानियां उनकी भी मुझे पसंद हैं, लेकिन भूलना से बेहतर कोई कहानी पसंद नहीं। ये मेरा ख्याल है कि 2006 में छपी थी कहानी, और अभी मैंने हंस में इस कहानी पर लिखना शुरू किया था, लेकिन मैं अपनी पूरी किस्त में यही बताता रह गया कि मैं इस कहानी का संक्षेपण करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसी पर मैंने पूरी किस्त लिखी। मुझे यह अनुभव हुआ कि यह जो कहानी है इसे संक्षेप में सुनाना असंभव सा है, हालांकि मैं उसे संक्षेप में भी सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं सुनाने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं कहूंगा क्या आपसे, और आप मेरी बात को समझेंगे कैसे। जिन्होंने पढ़ रखी हो भूलना कहानी, वो मान लीजिए मेरी बात में से एक दो हवाले समझ भी लें, लेकिन अगर मैं कहानी बताऊं ही नहीं तो उस पर विश्लेषण क्या होगा आगे। तो वो जो कहानी है वो एक फर्स्ट पर्सन नरेशन में चलने वाली कहानी है, प्रथम पुरुष वाचन मैं शैली में चलने वाली कहानी। जो नैरेटर है वो बहुत एब्सर्ड तरीके से शुरू करता है कहानी बताना, जैसे वो कहता है कि वो जो सामने से स्त्री आ रही है वो कितनी सुंदर है, वो देखो उसने अपने साथ चलने वाले पुरुष से कहा है कि वो फूल तोड़ कर दे, और वो मना कर रहा है, वो कह रहा है कि जो गिरे हुए फूल हैं वो ले लो। कैसा बेवकूफ आदमी है, अगर मेरे साथ ये स्त्री होती तो मैं इसे एक क्या हजार ऐसे फूल तोड़ के देता, है ना। इस तरह की बात से वो शुरू करता है। उसके बाद वो कहता है कि अचानक, मतलब ये जो पूरा एब्सर्ड तरीका है वो एब्सर्डिटी एक हाई पॉइंट पे जाती है। वो कहता है कि रोजगार के नाम पर तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले लखनऊ से मुख्यमंत्री को अपनी प्रेमिका के साथ दिल्ली जाना था, प्रेमिका के नाक पर एक फुंसी हो गई थी उसका इलाज कराने के लिए, और जब वो शताब्दी ट्रेन में बैठे तो पता चला कि उसकी हेडलाइट फूट गई है, तो हेडलाइट नहीं जल सकती, इसलिए तत्काल रिक्रूटमेंट सेल वाले लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि लोग आए और ट्रेन के आगे अपने सिर पर लाइट रख कर के दौड़े और हर मिनट के लिए 10,000 रुपया दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसा बेतुका सा अतार्किक किस्म का है ना, लेकिन है कहानी इस एब्सर्डिटी का आगे इस्तेमाल करेगी। वो एक तरह से फोरग्राउंड कर रही है, कुछ चीजों को फोरग्राउंड कर रही है, और इसका वो आगे इस्तेमाल करने वाली है। तो वो बताता है कि लोगों की भीड़ लग गई, मार पड़ने लगी वो ट्रेन के आगे सिर पर लालटेन लेके दौड़ने के लिए, और ये हो गया वो हो गया, ये सारी बातें वो बताता है। फिर वो धीरे धीरे जो किस्सा सामने लाता है वो किस्सा क्या है, अब मैं वो जो कहानी में जिस क्रम में वो चीज़ें रखी गई हैं उसको छोड़ देता हूँ और मैं अपने क्रम से उसको सुनाता हूँ कि वो किस्सा ये है कि ये माँ पिता और उनके दो बेटे और एक बेटी, ये एक परिवार है जो बनारस के एक मोहल्ले में रहता रहा है, उसके एक छोटे से घर में पूरा का पूरा परिवार रहता है। पिता एक सिनेमा हॉल की दरबारी करते हैं, माँ आसपास के एक दो घरों में चौका बर्तन का काम करती है, जो बड़ा भाई है जो इस कहानी का नैरेटर है वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है, थोड़ी बहुत कमाई उसकी भी हो जाती है, जो लड़की है वो कुछ काम की तलाश में लगी हुई है, जो छोटा बेटा है वो खिलंदड़ा है, होनहार है, और खेलते खेलते पता नहीं नंबर कैसे ले आता है। तो होता ये है कि वो 10वीं क्लास में अपने पूरे शहर में बोर्ड इम्तहान में पूरे शहर में अव्वल आ जाता है, तो लोगों की उम्मीदें उससे बढ़ जाती हैं। ये पूरा परिवार जो भयानक तकलीफों से घिरा हुआ है, पिता को हमेशा पैर में दर्द रहता है क्योंकि उसको 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है सिनेमा हॉल की दरवानी करते हुए, माँ की तबीयत भी खराब होती है, बहन को सिरदर्द भयावह होता है, और अचानक कई बार पूरा घर बैठकर हंसते हंसते पूरा घर जब बैठकर हंस रहा होता है बहन सिर पकड़ लेती है, और उसके बाद नायलन की रस्सी से सिर को बांध कर 24 घंटे पड़ी रहती है। इस तरह का परिवार है, ऐसे परिवार को सपनों के पर लग जाते हैं
जैसे ही जो छोटा बेटा है वो होनहार निकलने लगता है, पूरे शहर में अव्वल आ गया, अखबार में फोटो छप गई। अब ये लोग सोचते हैं कि ये तो इंजीनियर बन जाए, और इंजीनियर बनेगा तो पूरे घर के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहन का सिरदर्द का इलाज करवा देगा, पिताजी को दरबारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पैरों में जो दर्द रहता है वो नहीं रहेगा, माँ का चौका बर्तन छुड़वा दिया जाएगा और सारे घर की दुख तकलीफें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो ये जो घर वालों की उम्मीदें हैं वो उस छोटे बच्चे पर अपना असर डालना शुरू करती है, उसका खिलंदड़ापन कम होता चला जाता है, और वो धीरे धीरे इंजीनियरिंग का इम्तहान निकालना है इस दबाव में उसी एक कमरे के घर में एक कोने में बैठकर पढ़ाई करने लगता है। उस एक कमरे के घर में एक कोना किचन है, जो किचन का ऑपोजिट कोना है वहां दीवार की ओर मुंह करके वो जो छोटा भाई है वो रात दिन पढ़ता रहता है, और पूरे घर से उसे कोई मतलब नहीं रहता, पीठ उसका घर की ओर होता है, और कमरे में कोई भी हलचल हो रही हो, कोई काम हो रहा हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ता रहता है, और उसी कमरे में एक बाथरूम का दरवाजा भी है। तो नैरेटर आपको बताता है कि धीरे धीरे इसमें इस प्रक्रिया में हुआ क्या कि हम छोटे को भूलने लगे। अब वो भूलना किस तरह से होता था, तो कहा कि जैसे एक दिन रात को बातचीत करके हम चारों लोग मतलब लड़की लड़का माँ पिता खाके हमने लाइट ऑफ कर दी, सोने चले गए। कमरे में एक ही लाइट थी जो किचन वाले कोने पर रहती थी, और उसी लाइट के से दूरस्थ प्रकाश जो मिलता था उसमें ये छोटा भाई पढ़ाई करता रहता था। तो हमने लाइट ऑफ कर दी और सोने चले गए। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो लाइट अपने आप जल गई। तब याद आया कि छोटे जो दूसरे कोने में पड़ रहा था वो तो हमें याद ही नहीं रहा, इसलिए हम जब लाइट ऑफ करके लेट गए तो छोटे उठा, उसने लाइट चला दी और चुपचाप बैठ के पढ़ने लगा। तो नैरेटर कहता है कि ये हमारे भूलने की शुरुआत थी, ये हम छोटे छोटे वक्फों के लिए भूलते थे, फिर ये भूलने का वक्फा लंबा होने लगा, फिर ऐसा हुआ कि हम कई कई दिनों तक छोटे को भूल जाते। और उसने लिखा कि जैसे एक बार जनगणना वाले आए घर पे, तो माँ ने चार लोगों का नाम लिखाया और माँ को लगता रहा कि कुछ भूल रही हूँ, लेकिन याद ही नहीं आया कि क्या भूल रही हूँ। फिर जब छोटे का एडमिशन टिकट घर पे आया, उस पर उसका पता लिखा हुआ देखा, तो माँ को याद आया कि अरे इसी का नाम था जो मैं भूल गई थी। जनगणना वाले आए तो चार ही लोगों का नाम लिखा के वापस कर दिया। इसीलिए कहानी का शीर्षक है भूलना। अब ये जो स्थिति है घर की उसका वो बयान करता है और उसी समय बताता है। देखिए थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए मैंने कहा कि कहानी का संक्षेपण नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इसी पर छोड़ दूंगा। मैं जो अगली कहानी की चर्चा करने जा रहा था उसको भी मैं कटेल करूंगा, क्योंकि पता चला शाम हो गई और लोग मुझे भूल गए यहाँ बैठे बैठे तो जिस समय ये उस घर में चल रहा है उस समय शहर में बाहर क्या चल रहा है, वो बताता है कि शहर में उन दिनों ऐसा माहौल है कि हर जगह आतंकवाद की चर्चा है। तो कहा कि हमारे मोहल्ले में सियावर चचा जो है वो रिक्शा चलाते थे, एक दिन उनके रिक्शे का एक टायर बोल गया, तो टायर बोल गया तो तेज आवाज हुई, हम सब लोग आतंकवादी कह के दौड़ पड़े। हाँ अच्छा, अगर इतने पर कहानीकार कह के छोड़ देता तो एक बात थी, उसके बाद क्या होता है, हम सब आतंकवादी कह के दौड़ पड़े तो उधर से पुलिस भी आ गई, बीट बॉक्स जो था उसकी पुलिस भी आ गई, और जब पुलिस आ गई तो उसके बाद जांच पड़ताल में पता चला कि नहीं नहीं वो तो टायर पंक्चर हुआ था, विस्फोट कर गया, उसकी आवाज थी। तो पुलिस वाले ने सियावर चचा से कहा कि ज्यादा हेकड़ी चढ़ गई है, अपना टायर वायर ठीक रखा करो नहीं तो अगली बार अंदर डाल दूंगा। अब आप कहानी के जब इन प्रसंगों में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस एब्सर्डिटी को इस कहानी ने शुरू में फोरग्राउंड किया है वो क्यों किया है ना। आपके रोजमर्रा के जीवन में वो एब्सर्डिटी घुसी हुई है। आप पिछले 8-10 दिनों के अखबार और न्यूज रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, दिल्ली के JNU के बच्चों के साथ जो हो रहा है वो कितना एब्सर्ड है, कितने भयावह किस्म का एब्सर्ड। मतलब कोई कह रहा है कि इनके पाकिस्तान से लिंक्स ढूंढे जा रहे हैं, पाकिस्तान से उनके लिंक्स ढूंढे जा रहे हैं। वो जो उमर खालिद
एक मासूम लड़का है, वो जब वापस आया क्या मतलब, कहीं छुपा हुआ था वो, बाहर आया, उसके पहले तक ये किस्से चल रहे थे अखबारों में कि वो, हाँ वो एक तो झारखंड के जंगलों में वो अपनी जगह बदल रहा है, ये कहा कि झारखंड भाग गया है और झारखंड के माओवादी इलाकों में वो जगह बदल रहा है, उसके फोन का जो ये है वो बताता है। उसके बाद उसके फोन से 80 बार दुबई कॉल किया गया है, 100 बार पाकिस्तान कॉल किया गया है, वो कहीं नहीं गया था, उसी जेएनयू में बैठा हुआ था, पता नहीं उसका फोन कैसे जगह बदल रहा था झारखंड में। ये क्या एब्सर्डिटी है। जी टीवी देखिए तो आपके सामने स्क्रीन पर अपराधियों की तरह उन बच्चों की तस्वीरें गुजरती हैं और पीछे से जो न्यूज रीडर है उसकी वो अपराध रिपोर्टिंग करने वाली जो आवाज होती है उस आवाज में रिपोर्ट आ रही थी, ये है उमर खालिद, खटाक एक तस्वीर गुजरी, और ये उसका दोस्त अनिर्बन, एक तस्वीर और गुजरी, खट खट। आप पाएंगे कि स्क्रीन पर से तस्वीरें गुजर रही हैं अपराधियों की तरह और पीछे से जो एंकर है वो उन सबको अपराधी घोषित कर रहा है। तो कितना एब्सर्ड है, इतने भयावह तरीके से एब्सर्ड। यही होता है इस कहानी में, है ना। तो अब उस कहानी में वो हो गया, सियावर चचा वाला किस्सा हो गया, और फिर नैरेटर बताता है कि कैसे पूरे शहर में हम लोग कोई और गाली देने से पहले आतंकवादी कहीं का कहते थे, अगर हमारे यहाँ सुबह पानी ना आया या दिन में पानी नहीं आया तो ये डर लगता था कि अगले दिन सुबह अखबार में ये खबर छपी हुई होगी कि पानी टंकी पर किसी आतंकवादी ने हमला कर दिया है। तो आतंकवादी आतंकवादी ये एक माहौल सा बन गया था पूरा। फिर बहुत सारी घटनाएं हैं उससे संबंधित, वो सारे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कहां डिसाइसिव हो जाता है एक व्यक्ति के भाग्य के लिए, कहां उसका निर्णायक बन जाता है। होता ये है, एक गर्मी की दोपहर में कि जब पसीने में डूबे हुए ये सब लोग सो रहे हैं अपने कमरे में, तो अचानक नैरेटर की आंख खुलती है और उसको लगता है कि कोई एक छाया सी गुजर कर बाथरूम में गई है। ये डर जाता है, जो आतंकवादी का पूरा माहौल बना हुआ है, ये कौन अजनबी घर में आ गया, और वो चिल्लाता है कौन है कौन है, कहते ही पिता की भी नींद खुल जाती है और पिता भी चौंक के पूछते हैं कौन है। ये दोनों जब ऐसा पूछते हैं तो दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, बाथरूम का दरवाजा। अब पिता जो है वो बिल्कुल जैसे परेशान हो गए हो, वो चिल्लाने लगते हैं दूर रहो उसके पास बम हो सकता है, दरवाजा अंदर से बंद हो गया है, वो बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। और जब पिता चिल्लाना शुरू करते हैं तो घर के लोग ही नहीं जगते बल्कि मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो जो एक कमरे का परिवार है वो तो आप जानते हैं कि कितना नज़दीक वो घनी आबादी के इलाके में रहा होता है। लोग निकल आते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते हैं मारो मारो आतंकवादी आतंकवादी। एन इसी मौके पर जो नैरेटर है वो और उसकी माँ दोनों की निगाह उस कोने की ओर जाती है जहाँ छोटा भाई बैठ के पढ़ता रहता था और वहाँ कुर्सी खाली है। अब वो समझ जाते हैं कि छोटा भाई अंदर बाथरूम में, लेकिन अब ये लाचार हैं, ये उस भीड़ को समझा नहीं सकते कि नहीं अंदर छोटा भाई है। ये कहने लगते हैं कि अरे अंदर छोटे हैं अंदर, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब चिल्ला रहे हैं लोग। वो जो रोशनदान है उस रोशनदान पर लोग चढ़े हुए हैं कि आज किसी भी कोने से उसको निकलने नहीं देना है, पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा जा चुका है। तो जब ये समझाना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत बात कहता है जो नैरेटर है, अद्भुत बात कहता है कि आधी भीड़ ने तो समझ लिया कि हाँ अंदर छोटे हैं, लेकिन आधी भीड़ ने या तो समझा नहीं हमारी बात को या फिर उसे इस रूप में समझा कि अंदर तुम्हारा छोटा भाई हो चाहे जो हो, है वो आतंकवादी, है ना, है वो आतंकवादी, और इस रूप में वो अपनी देशभक्ति, यहां तक कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगने लगते हैं। और तब तक बगल की बिट बॉक्स से पुलिस आ जाती है, अंदर से दरवाजा खोल करके छोटे को निकाला जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो कई लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को रियलाइजेशन हो चुका है कि क्या गड़बड़ी हो गई है, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं साहब ये कुछ नहीं, भ्रम है, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये तो पढ़ने वाला लड़का है। लेकिन पुलिस का है कोई सुनने वाली है। पुलिस के ऊपर शहर कोतवाल के बनाए हुए इस नियम का दबाव है कि रोज एक अपराधी पकड़ना है। शहर कोतवाल ने यानी एसपी ने ये नियम बनाया हुआ है
कि शहर में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और आतंकवाद का खतरा जिस तरह से मंडरा रहा है, उसे देखते हुए हर थाने को एक अपराधी रोज देना है। दिखलाओ कहाँ है अपराधी, नहीं तो थाना बंद करवा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे सरकार, तो वो भी उस अपराधी को पकड़ के ले जाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग दौड़ धूप करते हैं, वो जिस सिनेमा हॉल में काम करता है उसके मालिक की पत्नी को लेके जाता है, वो थोड़ी प्रभावशाली महिला है, उसको देखकर जो हवलदार है वो सैल्यूट मारता है, और उसके बाद फिर वो कहता है कि नहीं साहब जी ले जाइए, हाँ हमें हमने पूछताछ कर ली है, इस लड़के का कुछ वैसा कनेक्शन नहीं है। लेकिन वो थोड़ी सी पूछताछ में चोट लग गई थी, वहाँ भी जो लोग हंगामा कर रहे थे उस वजह से भी चोट लगी होगी, पुलिस वाला ये कहता है। और साथ में कुछ पैसे देता है नैरेटर को कि ये पैसे रख लो, माथे पर जो चोट लगी है इसका इलाज करा है। छोटे जब वहां से निकलता है तो वो लड़खड़ा रहा है, लेकिन वो अभी तक लाचार नहीं है। पर धीरे धीरे ये लोग पाते हैं कि जो माथे की चोट है उसने कहीं गहरे असर किया है, वो धीरे धीरे मूक और बधिर और अंधा होता चला जाता है, यानी उसके तीन सेंसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। और नैरेटर जो कहानी बता रहा है उस कहानी के वर्तमान में ये जो उसका छोटा भाई है वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और देख नहीं सकता। ये लोग गांव शिफ्ट कर गए हैं, गांव के बाहर, गांव में उनके घर के बाहर की पलानी में वो छोटा भाई पड़ा रहता है और उसको वहाँ खाना पहुँचाया जाता है। कोई महत्वपूर्ण सूचना होती है तो लोग जाकर अखबार का गोल यो बनाकर उसके कान के पास लगाते हैं और उसमें से बोलते हैं, तब उसके कुछ समझ में आता है और वो लोगों को देख नहीं सकता है। उसका बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया गया है, बहुत 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 गजब का वर्णन है, मतलब शब्दों में वो आपके सामने उतार देता है कि ऐसा आदमी कैसे होगा। इधर से कोई आदमी आता है और उसको उसका नाम लेता है तो वो सिर ऐसे उठाता है जैसे देख रहा हो उस आदमी को, उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो आदमी यहाँ से उसका नाम लेकर के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो जाए तो तब भी वो इधर ही देखता है, और उससे ये जाहिर हो जाता है कि वो देख नहीं पा रहा है लेकिन देखने का अभिनय कर रहा है। ये सारे विवरण उस कहानी में है। ये कहानी जो है, मैं जो बार बार इस बात पर बल दे रहा हूँ कि इसका संक्षेपण करना बहुत मुश्किल है। आप देखिए कि मैंने इस कहानी को सुनाने में कितना वक्त लिया, और इतना वक्त लेने के बावजूद मैं इतनी सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ कि मुझे एक तरह की विकलांगता का अनुभव हो रहा है। खुद लगता है इसे कहानी को मैंने विकलांग बनाकर आपके सामने पेश किया। ये सिर्फ अपने कथ्य में नहीं, अपनी पूरी संरचना में हमारे समय की चुनौतियों से निकली हुई कहानी। कथ्य के स्तर पर अगर आप देखें तो यह जो एक मास पैरानोइया है ना, पैरानोइया का मतलब शक का रोग। हम सब लोगों को संदेह होता है, बहुत सारी चीजों पर हमको शक होता है, लेकिन वो रोग की हद तक अगर चला जाए तो उसको पैरानोइया कहते हैं। और ये मास पैरानोइया है जो आतंकवाद के खिलाफ बनाया गया है, सभी लोगों के मन में इतना भयावह शक भर दिया जाए कि छोटी छोटी चीजों में उनको दिखाई पड़ने लगे आतंकवादी, उस मास पैरानोइया को ये कहानी बता रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कथ्य के स्तर पर ये हमारे समय के एक बहुत गहरे धंसी हुई चीज को आपके सामने ला रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे समय में किसी भी चीज को देखने के लिए जितने तरह के कोण उपलब्ध हैं, ये कहानी उन कोणों की बहुलता को भी हमारे सामने ला रही है। यानी यह कहानीकार इस मास पैरानोइया को किसी एक जगह से दिखलाकर संतुष्ट नहीं हो जाता। उसने यह तय किया है कि वो कई एंगल्स से इसको अप्रोच करेगा, कई एंगल्स से इसको दिखाने की कोशिश करेगा। जो छोटे के साथ हुआ वो दुर्भाग्य है, वो बदकिस्मती है, कितने तरह के कारणों से हुई है आपको एक वजह नहीं बता सकते। शहर में जो आतंकवाद की हालत है वो एक कारण है, उस आतंकवाद को लेकर स्टेट ने या शहर के प्रशासन ने जो मास पैरानोइया वाली मनस्थिति बनवाई है वो एक कारण है। इस घर के लोगों की जो गरीबी है, उनकी जो दुर्दशा है, वह एक कारण है। अगर वो दुर्दशा न होती तो क्या छोटे पर यह दबाव बनाया जाता?
और अगर वो दुर्दशा न होती तो क्या इन लोगों के लिए छोटे को भूलना संभव होता? वो लिखता है एक जगह भूलने के कारण बताते हुए, वो कई लिस्ट कारणों की लिस्टिंग करता है। वो कहता है कि मैं अपने सपनों में खो जाता हूँ, मैंने अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए जो कुछ सोचा है मैं उसमें अक्सर खो जाता हूँ, कहीं ये मेरा खो जाना छोटे को भूलने का कारण तो नहीं है? इस तरह के और भी कारणों की लिस्टिंग करता है। तो आप पाएंगे कि एक व्यक्ति की का दुर्भाग्य कई कोणों से देखा और दिखाया गया है, और ये पहले की कहानियां नहीं करती थी। तो यह हमारे समय का एक चैलेंज है अपने आप। आप ज्ञान के एक ऐसे विस्फोट के समय में जी रहे हैं, ज्ञान नहीं सूचनाओं में, एक ऐसे विस्फोट के समय में जी रहे हैं जहां कि आपको सभी चीजों को बिल्कुल अलग अलग डायमेंशंस में देख पाने की आपके पास गुंजाइश है। और कहानियां अगर इस गुंजाइश का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो बिल्कुल आज की कहानियां हैं। हम कह सकते हैं कि उनका जो लेखक है वो आज के समय का लेखक है ना, जिसका दिमाग आज के समय ने तैयार किया है, और ये भूलना कहानी उसी तरह की कहानी। लेकिन बस एक बात, और मैं उससे अपना व्याख्यान खत्म करूंगा, वो ये कि अपने समय और समय की चुनौतियों की पहचान आप किसी रचना में सिर्फ उपस्थित बातों के आधार पर नहीं करते, अनुपस्थित बातों के आधार पर भी करते हैं, है ना। कहानियों में जो कहा गया है उनसे अगर आपको अपने समय का पता चलता है तो कहानियों में जो नहीं कहा गया है उससे भी अपने समय का पता चलता है। यह अलग बात है कि उस नहीं कहे गए को चिन्हित करने के लिए आपके पास एक दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं जिस दूसरी कहानी का जिक्र करना चाहता था और जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, वो कहानी है पानी। मैंने इस कहानी के बारे में भी लिखा है और बहुत पसंद है मुझे ये कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी। अगर पर्यावरण के प्रश्न को हम ध्यान में रखें तो एक गांव है जहां एक तालाब है जो सामुदायिक स्थल की तरह से इस्तेमाल होता है, और गांव के सारे तीज त्योहार विधि विधान उसी तालाब के किनारे होते हैं, सारे बच्चे उसी के आसपास खेलते हैं, गांव का कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले वहीं पर वो ठहर करके अपने बाल बाल ठीक करता है और संदेशा भिजवाता है गांव में कि मुझे लेने के लिए कोई आए वगैरह वगैरह, ये उस तालाब की भूमिका है। वो तालाब उस गांव का जो ठाकुर है वो पाट देता है, उसके पूरे पानी को मोटरों से उलीच कर गांव की नदी में फेंक दिया जाता है और तालाब को बांट दिया जाता है और खेत में तब्दील कर दिया जाता है। और इसके बाद उस गांव के पर्यावरण के साथ अभी जो